मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 3 माह तक तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना का 2 माह का राशन मिलेगा। पात्रता पर्ची के आधार पर बटेगा राशन। निशुल्क वितरण के लिए हितग्राहियों को मशीन पर अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है। बिना पात्रता पर्ची के भी आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर मिल सकेगा राशन। अधिकारी करेंगे निगरानी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को कोरोना संक्रमण के दौरान आर्थिक संकट को देखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 5 माह का खाद्यान्न निःशुल्क किया जाएगा। यह निशुल्क वितरण अप्रैल, मई, जून तथा जुलाई और अगस्त माह के लिए किया जाना है। यह वितरण 2 किश्तों में किया जाएगा। जो लोगों ने अप्रैल और मई में निशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लिया है, उन्हें जून माह का वितरण मात्र 1 माह का निशुल्क वितरण मिलेगा। और साथ ही में जिन्होंने अप्रैल मई में शुल्क देकर खाद्यान्न क्रय किया है, उन्हें आगामी महीने में उक्त 2 माह का निशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 माह का राशन मुफ्त प्रदान किया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 माह का राशन निशुल्क प्रदान होगा। निशुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए दतिया जिला कलेक्टर संजय कुमार द्वारा 17, 18 और 19 मई की तारीख निर्धारित की गई है। इन तारीखों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खाद्यान्न वितरण होगा। इस बार के वितरण में निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए मशीनों पर थंब इम्प्रेशन अर्थात अंगूठा लगाने की हितग्राहियों को आवश्यकता नहीं होगी। बगैर अंगूठा लगाए ही वितरण पात्रता पर्ची के आधार पर किया जाएगा। जिन हितग्राहियों के पास पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी निशुल्क वितरण का लाभ मिलेगा। ऐसे हितग्राही संबंधित वितरण केंद्र के सेल्समैन से जानकारी लेकर शहरी विकास अभिकरण, खाद्य विभाग अथवा नगर पालिका में संपर्क कर अस्थायी पर्चियां प्राप्त कर सकते हैं। इस खाद्यान्न वितरण में 5 किलो प्रति सदस्य से 25 किलो प्रत्येक माह प्राथमिक परिवार को, जबकि अंत्योदय परिवार को कुल 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न वितरण के आदेश जारी किए गए हैं। पात्र हितग्राहियों की 24 पूर्व निर्धारित कैटेगरी है। इस वितरण कार्यक्रम की निगरानी खाद्य एवं रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी अधिकारी करेंगे। कंट्रोल की दुकानें हैं, राशन की दुकानें हैं, इनके वितरण के लिए तारीख दी गई है 3 दिन की। 3 दिन की अवधि में वितरण करना है। पिछले महीने में भी ऐसा हुआ था और कई दुकानों पर जो है पुलिस बुलाना पड़ी थी, क्योंकि सारे लोगों को टाइम कम देते हैं। 10 बजे खोलेंगे, 3 बजे बंद कर देंगे, तो 10 से 3 के बीच में या जो भी टाइम अब नया दिया गया हो, उस टाइम के बीच में वितरण बिना भीड़ किए, बिना कोरोना फैलाए कैसे हो पाएगा, इस बारे में थोड़ा। ऐसे सरकार के द्वारा जो गरीब पात्र हितग्राही जो हैं, उनके लिए 5 महीने का अनाज वितरण के लिए अलाटमेंट जारी किया गया है, जिसमें से अप्रैल और मई महीने में जो राशन दिया जाना था, तो एडवांस में जो दिया गया अप्रैल महीने में, तो अप्रैल और मई का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका। उसमें राशन में 1 रुपये जो निर्धारित दर था उसको लिया गया है। 15 अप्रैल के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके लिए निःशुल्क वितरण कराया जा चुका है, जो अप्रैल और मई का, जो माननीय मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्यान्न पात्र हितग्राहियों को प्रदाय किया जाना था। शेष जो रह गए हैं लोग, उनको अप्रैल मई में जो ले गए हैं शुल्क दे करके, तो उनको जून, जुलाई, अगस्त तक उनको निःशुल्क दिया जाना है, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय के द्वारा ये निर्धारित समय कर दिया गया है कि उचित मूल्य दुकानदारों के द्वारा उपभोक्ताओं को सही वितरण किया जाए, जिसमें से 17, 18, 19 मई रखा गया है, ये पूरे ज़िले में वितरण होगा, जिसका वितरण है ये अप्रैल, मई और जून के अलाटमेंट के हिसाब से वितरण करने का। और फिर इसी के बाद जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने का दिया जाना है, 5 किलो पर पात्र हितग्राही सदस्य को 10 किलो दिया जाना है, उसकी डेट निर्धारित किया है 24, 25 और 26 को। इसमें ये निर्धारित निर्देशित किया गया है कि सभी उचित मूल्य दुकानदार समय पर दुकान खोल लें, और जो कोरोना कोविड का गाइडलाइन है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कराएं। तो उसमें हमारे जो दतिया नगर की जो दुकानें हैं, 20 दुकानें हैं, उनमें से इंस्पेक्टर और ASO उसमें सतत मॉनिटरिंग करेंगे। मैं भी उसमें कलेक्टर महोदय के आदेश के परिपालन में उन दुकानों में जाऊंगा और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करूंगा। जैसा आपका कहना है कि भीड़ ना हो इस स्थिति में, तो उसको भी अपन मेंटेन करेंगे। उचित मूल्य दुकानदार को बोलेंगे कि सुबह 9 बजे से दुकान खोल करके और शाम 7 बजे दुकान खोल कर रखें, जिससे उपभोक्ताओं को उनके हक की सामग्री मिल सके
और शासन की मंशानुरूप जो इसको लाभान्वित किया जाना है उसको हम लोग प्रदाय करा जा सके। जो कलेक्टर महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः पालन करते हुए वितरण कराया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का जो फ्री वितरण है राशन का, ये अप्रैल मई जून का था प्रधानमंत्री। तो आइए मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को लेकर जो 3 माह का राशन मुफ्त प्रदान किया जाना है इसको लेकर हम बात करते हैं दतिया से हमारे संवाददाता राजेंद्र पटवा से। तो राजेंद्र जी बताएं कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 माह का राशन जो मुफ्त प्रदान किया जाएगा जिसके लिए जिला कलेक्टर द्वारा 17, 18, 19 मई की तारीख निर्धारित की गई है, तो इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा क्या खास तैयारियां की गई है? जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब लोगों को अप्रैल मई जून और प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत मई जून का 5 महीने का राशन मुफ्त मिलना है जी। इसके लिए कलेक्टर के द्वारा निर्देश के अनुसार आधिकारी के द्वारा पार्टी बनाई गई है जिसके तारीख निर्धारित की गई है, इन तारीखों पर गेहूँ बटना है। राजेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि निःशुल्क खाद्य वितरण के समय लोगों से किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा, इसके लिए किस तरीके से खास व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? जिला खाद्य अधिकारी के द्वारा टीम बनाई गई है जिसके द्वारा 7 बजे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कोरोना गाइडलाइन के तहत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं प्रत्येक दुकान पर, जिसमें सभी कंट्रोल सचिवों को गोला बनाकर सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए कहा गया है, जिसमें अधिकारी के द्वारा थम्स प्रक्रिया होती है उसको रिकमेंड कर दिया गया है। जी बिल्कुल रिकमेंड कर दिया जैसा जी। राजेंद्र जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हर गरीब और जरूरतमंद को यह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सही ढंग से हो सके जिसके लिए कोई भी गरीब और जरूरतमंद पीछे ना रह जाए, तो उसको लेकर किस प्रकार से शहरी और साथ ही में ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का प्रचार प्रसार सही तरीके से किया जा रहा है? उसके लिए टीमें बनाई गई है कलेक्टर द्वारा, सभी क्षेत्रों में डेट निर्धारित की है 19-21। इसके द्वारा प्रधानमंत्री को 3 माह का गेहूँ मिलेगा फ्री, इसके लिए जगह जगह अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद जून में 2 माह का फ्री मिलेगा, उसके लिए भी टीम बनाई गई है ग्रामीण शहरों क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में, उसके लिए सभी जगह टीम बनाकर दौरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।